गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। काफ़ी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का एक रिक्वेस्ट था जे आप एक बजट ओरिएंटेड डिटेलर यूज़ कीजिए और या पॉलिश या वैक्स यूज़ कीजिए, उसका एक वीडियो बनाइए। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी ब्रांड हमको सजेस्ट किया है, बट आई हैव ऑलवेज बीन पैट्रन ऑफ टर्टल वैक्स। टर्टल वैक्स प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होता है, उसका भी काफ़ी बजट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। दिस टर्टल वैक्स हार्ड शेल फिनिश एक लिक्विड वैक्स है। दिस इज एक्चुअली द ओरिजिनल वैक्स दैट वाज फेमस प्रोडक्ट ऑफ टर्टल वैक्स। दिस इज टर्टल वैक्स हार्ड शेल पेस्ट वैक्स, उसका ही पेस्ट। हाँ देखिए, ये खत्म हो गया। हाँ ये 2009 साल में मैंने खरीदा था, अभी और यूज नहीं करते लेकिन अभी भी ये काम करता है। एंड दिस इज अ वेरी प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज जस्ट अ न्यूअर वर्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, द सेम प्रोडक्ट बट इन अ लिक्विड फॉर्म। व्हाई लिक्विड फॉर्म? इट इज इजी टू अप्लाई एंड इजी टू बफ। पेस्ट वर्क्स क्या होता है, देखिए सरफेस थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें लगाना बहुत मुश्किल है, ये भी मुश्किल है लेकिन उससे थोड़ा आसान होगा। तो इसीलिए आई हैव ब्रॉट दिस प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट? इट गिव्स अ वेरी गुड फिनिश, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, मे नॉट बी लाइक सेरामिक और योर ग्राफिन बट दिस इज क्वाइट लॉन्ग एंड इट विल कवर अप योर माइनर स्वेल मार्क्स। सो फॉर दिस आई हैव चोजन दिस स्कार्फ। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो पहले इसको वॉश करेंगे। So today I will use a pressure washer. Washing part is over. Now we will apply shampoo so that there is no traces of dirt before we apply this polish. So we'll now apply foam shampoo to the entire car. If you don't have a pressure washer, you can also do it in manual process. I have several videos about it. Ensure you have a good quality wash mitt. You can also use a microfiber cloth instead, but I would prefer to use a wash mitt because it serves the purpose much better. Or always remember, हाँ जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा है क्योंकि धूप निकलने का पहले ही हमको ये काम करना होगा। Always remember you should do this sort of work when it is absolutely dry and you should work in a shaded area. Never apply all these surfactants or soaps under direct sunlight. It will be very difficult for you to wash and clean.
because it will create permanent stains on your car paint. So the cleaning part is over now. Now we'll rinse the car and dry it so that it's suitable for applying the polish. So the entire car has been rinsed and dried up. Now it's ready to apply your protection coat. Take some rest. You see again swell marks, little bit are back again. We'll also see how much cover up this particular wax does. So aise car prepare ho gaya wax lagane ke liye. तो थोड़ा टाइम हम लोग वेट करेंगे और दिस विल यूज एन एप्लीकेटर पैड बिफोर यू यूज विल शेक द बॉटल थॉरली यू सी इट्स ऑलमोस्ट द सेम कलर जस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म ये नहीं चाहिए ना ये नहीं चाहिए इसका बाद में एक टेस्ट होगा जो 15 साल पुराना वो जो पॉलिश है वो अभी भी काम का है या नहीं some minor yes dots now apply it like this to the entire surface it is a cleaner type of wax so it will also clean to some extent ekhon na eta shukiye jabe shukne ka baad polish karenge ei jonno ki eta rode kora jay na धूप में नहीं करना चाहिए धूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एकदम चिपक जाएगा और इसको उठाना एकदम आई विल ऑल्सो अप्लाई टू द हेडलाइट्स क्रोम्स ज्यादा लगता है ना ज्यादा नहीं लगता है एक का ये तो लिखता है एक में 100 बार होगा आई एम नॉट एक्स हाँ हो जाता है क्योंकि मेरा पुराना वाला तो अभी भी है उसमें बहुत बार किया था मैंने नहीं नहीं ज्यादा थोड़ा लगता है ना ज्यादा थोड़ा ही लगता है नाउ लेट्स वेट फॉर सम टाइम तो थोड़ा हेज फिनिश आएगा उसके बाद सिर्फ बफिंग करना है बहुत आसान है एकदम लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगा दर है नहीं है कितना टाइम तक रहेगा 3 मिनट्स हाँ विंटर में जल्दी जल्दी हो जाता है अभी तो देखो ये जो अभी हेज हो गया देखिए अभी हेज फॉर्मेशन हो गया सो दिस इज द टाइम टू बफ इट आउट दोनों एक साथ करने से जल्दी जल्दी हो जाएगा और एक बार ये लगाने के बाद एक दिन इसको शेड में रखना है अगर आपका पॉलिश को ये वॉक्स को लास्ट करना है तो एक दिन आपको शेड या कवर्ड एरिया में रखना है कोई कवर मत लगाइएगा आज क्योंकि कवर में ये पूरा वॉक्स चिपक जाएगा वॉक्स का काम खत्म हो जाएगा सो आफ्टर यू हैव अप्लाइड योर वॉक्स यू नीड टू कीप इट इन अ कवर्ड एरिया विदाउट एनी कार कवर सो दैट द वॉक्स विल लास्ट फॉर एटलीस्ट अ मंथ और टू हो गया अभी इस साइड कर लेते हैं
और की घिसना होगा? ना, और घिसना नहीं, बस हो गया। देखिए प्राइस कम है लेकिन अच्छा है तो। देखो कितना आसान है, एकदम हो गया काम। So the bonnet area has been finished. Now you will apply to the entire car. A headlight area gulo ektu kore dao. You can easily see the quality of finish. चलता है जो ये कम है, यही क्या है, इसमें तो पेशा नहीं लग जाए। इजी इजी है, वेरी इजी है। फिजिकल वर्क प्रोडक्ट भी अच्छा है ना, फिजिकल लेबर ज़्यादा नहीं लगता है उसको, फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा लगता है ना, रहता हो ज़्यादा दिन। बहुत जल्दी जल्दी ये ड्राई हो जाता है, इट ड्राइज अप वेरी फास्ट एंड टर्न्स इनटू अ हेज, एंड वंस इट टर्न्स इनटू अ हेज इट इज टाइम टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर बफिंग, एंड फॉर बफिंग यू शुड ऑलवेज यूज अ लाइट क्लॉथ। शाइन तो अच्छा ही आया है, you can see a good shine. महीना में एक बार देना होता है? हाँ, ये महीना में एक बार, once in a month. It says it gives a 12 months of protection. That is not never possible, especially in a country like us, ours, and also if you park your car outside like me. ब्लैक में नहीं देना है। रिमेम्बर एक व्हाइटिश लेयर आ जाएगा। रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर पॉलिश इज नॉट टू बी मेंट फॉर एनी ब्लैक रबर पार्ट्स, अदरवाइज अ व्हाइटिश शेड विल अपीयर एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमूव। फाइनली द जॉब इज फिनिश्ड एंड यू कैन सी द लेवल ऑफ फिनिश दैट द कार हैज प्रोड्यूस्ड। It's quite good considering the price you are paying for this polish, and it does a commendable job. For 500 rupees you are getting a very good finish from a reputed brand, and even if it lasts for a month, I think it's worth spending for this particular product. So that's how the car looks. So if you find this do-it-yourself project useful for you, please give a like, and if you have any questions regarding this application, I will tell you to comment in the comment section box and I will give all the answers for you. So thank you very much and for staying with us. And please give a like and subscribe if you find this video useful. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe for more videos like this. Thank you very much and goodbye. Please do subscribe.